हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फायर प्लेस वुड टेक प्लेस थ्रू रेडिएशन. ठीक है, हीट फ्रॉम द फायर प्लेस रीचेज अस डायरेक्टली बाय डिफरेंट प्रोसेसेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड रेडिएशन. क्या कहते हैं आपके पास कि आपके पास जो हीट होगी वो डायरेक्टली आपके पास फायर प्लेस से किस तरीके से पहुँचेगी, डिफरेंट वेव्स की फॉर्म में पहुँचेगी और वो वेव आपके पास रेडिएशंस कहलाएंगे. अगर आप एक शीट को या एक पेपर को या किसी भी कार्डबोर्ड को उस रास्ते में रख दें, रेडिएशन के पाथ में, उसके रास्ते में रख दें, तो यू विल सी के रेडिएशंस कमिंग टूवर्ड्स यू फ्रॉम द फायर प्लेस विल स्टॉप. ठीक है, यानी वो उसी वक्त क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी, वो आप तक नहीं पहुँचेंगी क्योंकि आपके पास वेव्स की फॉर्म में रेडिएशन जो हैं वो ट्रांसफ़र कर रही हैं हीट को फायर प्लेस से आपकी तरफ. तो जैसे ही आप किसी भी कार्डबोर्ड या किसी शीट या किसी पेपर को उसके रास्ते में रखेंगे तो वो क्या कर देगी, फ़ौरन ही उस रास्ते को ब्लॉक कर देगी और हीट ट्रांसफ़र आप तक होना बंद हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच फैक्टर्स रेडिएशन डिपेंड्स, कि आपके पास कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रेडिएशन जो हैं जो आपके पास ट्रांसफ़र कर रही हैं हीट को एक जगह से दूसरी जगह, वो किन किन फैक्टर्स पे आपके पास डिपेंड करती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडिएशंस आर इमिटेड बाय ऑल बॉडीज. द रेट एट विच रेडिएशंस आर इमिटेड डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स सच एज, यानी आपके पास क्या है कि हर बॉडी जब अपने अंदर से हीट को रेडिएट करती है और अब वो रेडिएशन जो किसी भी बॉडी के अंदर से इमिट हो रही हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं. डेट आर गिवन, डेट इज़ नंबर वन, कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस, यानी किसी भी सरफेस का जिसके अंदर से हीट निकल रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसके कलर के ऊपर और उसके टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर जो है वो कलर उसका लाइट है, डार्क है, या आपके पास सरफेस का टेक्सचर जो है वो रफ़ है या आपके पास सरफेस जो है वो शाइनी है. इसके बाद सरफेस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि आपके पास सरफेस का टेम्परेचर हाई है या लो है. इफ़ टेम्परेचर इज़ हाई देन द रेडिएशंस विल मोर, और अगर आपके पास टेम्परेचर जो होगा वो बॉडी का कम होगा तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास रेडिएशंस जो होंगी वो लो होंगी. इसके बाद सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रेडिएशंस अपने अंदर से इमिट करेगी सरफेस, और जितना आपके पास सरफेस एरिया कम होगा उतनी ही कम रेडिएशंस क्या होंगी उस सरफेस से इमिट होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाई डज अ कप ऑफ हॉट टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम. अब आपके पास क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आप एक हॉट टी का कप कमरे में रखते हैं तो वो जल्दी ठंडा क्यों हो जाता है. सो ऑल द ऑब्जेक्ट्स laying inside a room including walls, roofs and floors of the room are radiating heat. यानी everything in the room that is around us like walls, roofs and floor of the rooms are radiating heat continuously. वो अपने अंदर से heat को radiate कर रही हैं और मुसलसल heat को radiate कर रही हैं. और अगर आपके पास जो भी body आपने उस room के अंदर place किया वो high temperature के ऊपर मौजूद है, यानी उसका temperature जो है वो अपना बहुत ज़्यादा high है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, वो अपने अंदर से ज़्यादा हीट को रेडिएट करवाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को इमिट करवाएगी और अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कम से कम करेगी. कोई भी बॉडी किसी भी सराउंडिंग के अंदर आप रखते हैं तो वो हीट एब्जॉर्ब भी करती है और अपने अंदर मौजूद हीट को रेडिएट भी करती है. ठीक है, अपने अंदर मौजूद हीट को अब एटमॉस्फेयर में रेडिएट भी करती है और एटमॉस्फेयर की हीट को एक्वायर भी करती है. तो अब एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या होगा कि जो कि हॉट चीज़ आपने, एक गर्म गर्म चीज़ आपने रूम में रखी है और रूम का टेम्परेचर लो है एज़ कम्पेयर टू डैट हॉट कप, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि वो जो हॉट कप है, जो हॉट टी है, वो अपने अंदर से हीट को रेडिएट करवाएगा, ज़्यादा हीट को रेडिएट करवाएगा और एब्जॉर्ब कम से कम करेगा और उस वक्त तक अपने अंदर से हीट को इमिट करवाता रहेगा जब तक कि उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता. ठीक है, इन उस वक्त तक अपने अंदर से हीट को रेडिएट करवाता रहेगा जब तक कि रेट ऑफ इमिटिंग रेडिएशंस इज विल बी इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग रेडिएशन, यानी दोनों का रेट जब तक बराबर नहीं हो जाता उस वक्त तक वो अपने अंदर से हीट को निकालता रहेगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बनाया जो यहाँ पे वो है, व्हाई डज़ अ गिलास ऑफ चिल्ड वाटर बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम. यानी ठंडा गिलास आपने पानी का रखा है तो वो अचानक से आपके पास गर्म क्यों हो जाता है. इसका क्वेश्चन भी बिल्कुल आंसर जो है वो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है. जैसे इसमें भी क्या है कि फ़र्क कितना है कि उसका टेम्परेचर हॉट था और इसका टेम्परेचर आपके पास लो होगा. तो जब इसका टेम्परेचर लो होगा तो इसकी एब्जॉर्बिंग जो होगी पावर वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू रेडिएटिंग. ठीक है, यानी ये एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा और अपने अंदर से हीट को कम से कम रेडिएट करवाएगा
यानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हाई है और आपके जो चिल्ड वाटर है उसका टेम्परेचर लो है, तो ये उस वक्त तक अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा जब तक कि इसका टेम्परेचर आपकी इन्वायरमेंट के, आपकी सराउंडिंग के इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। जब रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड रेट ऑफ रेडिएटिंग आपके पास इक्वल हो जाएंगे, उस वक्त आपके पास हीट ट्रांसफ़र जो होगा वो स्टॉप कर जाएगा। इसके बाद आपके पास, आप अगर देखें, नेक्स्ट टॉपिक इज़ इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, एंड इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज इट्स लेंथी, सो यू हैव टू कवर दिस टॉपिक बाय दिस क्वेश्चंस। सो द डायरी विल बी चैप्टर नंबर 9 पेज 201 एंड 202 असेसमेंट यू हैव टू मेक 15 MCQs। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।